નમસ્કાર, ખબર ઘડી જય શ્રી કૃષ્ણ. આજ માં ઘૂમવા જઈ રહ્યા સિટી પેલેસ. આજ હમ જાણેંગે સિટી પેલેસ કી કહાનિયા, સિટી પેલેસ કા મ્યુઝિયમ, ઓર દેખતે હૈ ક્યા પ્લાન બન જાતા હૈ આગે. આપકે આશીર્વાદ સે શરૂ કરતે હૈ. ખબર ઘડી સાહબ, હું આઈ ગઈ હું સિટી પેલેસ રી બડી પોલ પે. તો સાહબ બાણું તો માં ટિકિટ લેણો પડેગા અટું, और पचे माँ जाऊँगा महीने, और आज अपने बताऊँगा पूरो पैलेस की. यो महल में कई कई कथा है, कई कई नवी चीज़ें हैं जो आप नहीं हुनी हो पहले. तो चलो बरा शुरू करा. ये देखो साहब, एडल्ट चाइल्ड चाइल्ड बिलो 5 साल, 5 साल ऊपर सबके लिए अलग अलग चार्जेस हैं. यो टिकट रो काउंटर है, आपने बड़ी पोल रहा जस्ट बड़े मिलेगा. अटू ऊपर छड़नो है. ये आपका सिटी पैलेस, ये सिटी पैलेस म्यूजियम का टिकट हमको मिल चुका है, और हम ये टिकट लेके जा रहे हैं अंदर. आपने बताना एक गाइड की हेल्प लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टोरीज पता नहीं है. तो अब हम यहाँ पे लेंगे एक गाइड की हेल्प. तो हमारे साथ में आज कान सिंह जी हैं, और वो हमें आगे की स्टोरी बताएंगे. कान सिंह जी, हेलो. यस सर. जय श्री कृष्णा. जय श्री कृष्णा. जय मेवाड़. जय मेवाड़. तो सर, आज हमारे साथ में कान सिंह जी हैं, हमारे गाइड, जो हमको बताएंगे इस पैलेस की हिस्ट्री के बारे में, इसकी कथाओं के बारे में. और आज ये आपने मेवाड़ी में बोलूं मैं, हिंदी में बोलूं आप? दो ही महीने बोल जाऊंगा. दो ही महीने बोल जाऊंगा. आप जो सब वो पिल्लिया देख रहा हो, ये मोटो मोटा जो पोल है, अन्य बड़ी पोल केवे है, महाराणा प्रताप रे बाद में अमर सिंह जी जो अन्य वड़ानो शुरू की, तो 1611 1616 तक वणाई ही. तो जदी भी जनता अटे आती ही मिलवा वाते, तो महाराज माता पे पागड़ी राखीन और अपने लोड़ता घूंघट राखीन आती अणी पोल रे. बाद में इन्हें पचे उदयपुर में दूसरी जतरी पोला है 11वीं, पचे बाद में वणनी शुरू ही. तो ये अन्य बड़ी पोल रो नाम दीदो थको है महाराणा साहब रे नाम. और अंडे पास में ने एक जो गणपति जी की मूर्ति है, महाराणा अमर सिंह जी द्वारा 1597 1620 रे बच्चे जो है 1597 वह स्थापित की थी कि पूरी पुरानी मूर्ति जो सब अटे दर्शन करने महीने पदार्थ. हाँ, बाणू में वर्ण बतायो भी है महीने. चलो त्रिपोलियो गेट है सर, और अन्य कई पाचरो इतिहास है वो कान सिंह जी बताएगा. ये जो त्रिपोलिया गेट है, महाराणा संग्राम सिंह जी 1713 में बनाया है, क्योंकि ये तीन जो गेट हुए था, वचलो गेट राजा महाराजा अपने महाराणा साहब पधार था बारह महीने, और एक गेट है महीने जावारो एक बारह आवारो होते अन्य वास्ते ने त्रिपोलिया केवे. और वचलो वचलो और महाराणा साहब रे आवा जावार वास्ते रहते, और ये खुर्रा जड़ी पे माँ उभा थका हा. हाँ. इन्हें खोदन बनायो, हाथी घोड़ा कोई भी चाले अटे तो भी रपट नहीं सके अन्य महीने. अच्छा. दो तरफ अपने जनता रे आवा जावार वास्ते रहते, जो पब्लिक आती अरज करवार वास्ते मिलवार वास्ते, तो एक गेटू अंदर आती दूसरा गेटू बाहर जाती है. तो यो तंचाई राख्यो जाने है, तंचाई राख्यो है अन्य महीने. कही हाथी घोड़ा भी नहीं रपसे, और वटी ने आदमी लुगाई आती वी भी नहीं रपट सकती. अच्छा. इन्हें बिल्कुल खोदन ऐसा स्मूथ करी राख्यो हो कि कन्नी रपट नहीं सके, जो अपने सुरक्षा रो ध्यान रखता पिलिया. अच्छा, धन्यवाद साहब. दरवाजा रो मतलब है उर्दू महीने, जो बादशाह सुल्तान बनाता है बनाने वो दरवाजा है. अपन अटे सब पोला केवे है. अच्छा. क्योंकि छोटी पोल बड़ी पोल और जतरी भी महीने बाने जावार वास्ते जो डोड़ी वे, डोड़ी रो मतलब है एक तरफ वो मतलब जाई महीने लेफ्ट दाया महीने मुड़ जाए ड्योड़ो महीने केवे ड्योड़ी. अच्छा. ड्योड़ी रो मतलब यो केवा. और जटो में चाल रहे हाँ आप रे हाथे इन्हें केवे माणक चौक. अच्छा. क्योंकि माणक चौक रो मतलब है एक लाल रंग की जो मिट्टी रहती कटे हटी पे अपने हाथी घोड़ा खेल तमाशा वेता, तो वनारा पग अपने गर्म भी भेज जाता नहीं, तो पग खराब नहीं होता. अच्छा. क्योंकि पहले अपने जरबा नहीं पहरता, तो अपने काची मिट्टी ही अणी मैंने इन्हें लाल रंग की मिट्टी ही जेणी माणक हई को रंग हो, तो माणक चौक कहवाई. अच्छा, तो यहाँ पे क्या आपने समझे इस बात को कि यहाँ पे हाथियों के जो पैर थे वो खराब नहीं होते थे, क्योंकि पहले जरबे मतलब जूते नहीं पहने जाते थे इसी वजह से. सब बहुत अच्छी कहानी बताई आपने, अब हम आगे चलते हैं. लाल रंग की मिट्टी होती थी इसलिए इसका नाम मानक है. मानक चौक मतलब आंगन मोटो. टूरिस्ट आया लगा है देख रहा हूँ, नरे टूरिस्ट आते तो भैया. हाँ, यहाँ प्रवेश द्वार पे जो मेन प्रवेश द्वार है जने के वे दरी खाना री पोल, और अणी पोल में बार अन्य कई अन्नो कई इतिहास है. यो सब आपना जो गाइड है जो आपने लारे अत्री देरू है वी बताएगा. तो सा बताओ
येंडो नाम है दरी खानारी पोल, जो भी अटे पदार्थ हा अपने मिलवार वास्ते राव उमराव ठाकुर साहब दो तरफ अपने नगीना वाड़ी दरी खाना नारो का दरी खाना है तो अटे अणारी मीटिंग वेती तो अणी दरी पे बैठन बातचीत करना खाणो पीणो अने दो ने दरी खाना अलग अलग नाम दीदा थका है। और अणी दरवा अणी गेट रो नाम है अपने पोल, तो यह दरी खानारी पोल केवा है। अंडे उपरे जो राज्य चिन्ह लगी राख्यो है, एक तरफ तो है राजपूत सेनापति, एक तरफ है आदिवासी जो भील महाराणा प्रताप रो साथ दीदो भीलू राजा है, ऊपर सूर्य है चित्तौड़ जो अपनी पुरानी मेवाड़ी राजधानी वनडी फ्रेम है, नीचे लिखियो है जो धड़ राखे धर्म को ती ही राखे करतार, जो धर्म और ईश्वर में आस्था रखेगा धर्म और ईश्वर वनडी रक्षा करेगा, ये अपना अटारो नारो हो शुरू जो चालियो थको आयो अपने बापा रावल रे समय शुरू धर्मो धर्म से जो आयो हो अपने 734 में जो बापा रावल बनिया हा सब पहले राजा बनायो किदो यो तो अपने खमा गणी और ये सब अटे पचे आया हा अपने अटे पचे आया वे गणी खम्मा खम्मा गणी ये पचे अपने धीरे 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 शब्द आया, क्योंकि ये बड़े इज्जत आबरू जो सभी मेहमाना ने बुलाता अपना वनारे वास्ते कहता हा। अच्छा, यह चीज़ अपने अटे आई ही जड़ी महीने अपने के आधार स्वभाव सब मेहमानार बनो रेवे अतिथि देवो देवो भवो जो शब्द निकलियो वो अपने मेवाड़ी लोग ही है, मेवाड़ी सब कहता है अतिथि देवो भवो, मेहमान जो है भगवान रो रूप है, तो पैसा खर्च करना आवे देखे यो जो ऐतिहासिक पहले से हम आप अटू महीने जा रहा हाँ तो अटे महाराज भी आता तो अटूज जाता है। हाँ, अपने महाराणा साहब पधारता तो अटूज पधारता है महीने, क्योंकि राजा रे मेल में जावारो है तो यो पजे अटू मेल बनना शुरू हुआ हा, अटूज राजा हाथी घोड़ा पे बैठन बाणे पधारता हा शेर महीने नगर भ्रमण वास्ते जाता, तो जो जगदीश मंदिर है बड़ा सब जगह ये अपने तिरपोलियों में नीचे बड़ी पोलू में नीचे अपने बाणे जाता हा गाँव महीने अपने शहर महीने। बच्चे स्कूल से यहाँ पे आए हुए हैं अभी, और अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बैग को पूरी तरह से चेक किया जाता है। सॉरी, अदाया बाया जो आप टर्न कर रहे हो मुड़न जा रहे हो इन्हें कहवे ड्योड़ी, तो आप यदि अटू पधार होगा तो इन्हें कहवे गणेश चौक, क्योंकि अटे जो भी व्यापारी वगैरह आता पहले 1955 पहले भी अटे बैठता कि हजूर महीने जावे पधारे तो हजूर अरज करवा जाता, कई परेशानी होती तो भी बताओ वास्ते जैसे खेती यार मजदूर सब भी आता सब ने मिलवारी यानी मैंने या ही, तो हजूर यदि भी अटे पधारता महाराणा साहब अटे पधारता तो ये जो अपने मूर्ति लागी थकी है विघ्न करता हरता जो वेवे वी गणपति है संकट दूर कर दे अणी वास्ते अंडी स्थापना कराई ही जो 1620 में अंडे पास में ने जो गणपति री जो पास में ने जो मूर्ति है कहीं गणपति रे बाद में ने जो मूर्ति है वह है गजलक्ष्मी, गजलक्ष्मी रो मतलब यूँ है लक्ष्मी जी हाथी पे बिराजे थका है तो हाथी पे बराबर पैसा आता रहे यूँ है अणी वास्ते, तो अबार ये देख लो ये वेरियो पचे धीरे धीरे जिस तरह काच आता गया तो काच रो काम सारो अपने 1821 से शुरू हुआ हो तो धीरे धीरे ये काच रो काम अतरो खूबसूरत है जैसा दूसरा महल है वहीं मतरो काच रो काम नहीं है जतरो काच रो पच्ची कारी रो अठे काम है। हाथी माते अच्छा। हाथी माते विराजमान हुए तो ये पैसा बराबर देता है रोज अना सुबह हाथे पूजा पाठ बेहती रहे क्योंकि ये बहुत ही कम जाना ने खबर है। अच्छा। और धीरे धीरे जिस तरह चित्रकारिया साहब लगाई रखी है शेरनाथ जी एकलिंग जी री और ये सारे जो टाइल्स आई थे कि है तो 1936 से एकत्र पड़िया अपने मुख्य द्वार बनवाए राजा रे महल में जावा महाराणा साहब उठू पदार्था हाजो ये हमारे यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, हम वहाँ पे आ चुके हैं, ये पैलेस के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली जगह है, तो ये क्यों है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये सब पहले जो महाराणा उदय सिंह जी यदि अंडो निर्माण शुरू करायो हो साधु महात्मा जो प्रेमगिरी जी गोस्वामी है जणो वणा जो आशीर्वाद लीधो हो तो वणारो आशीर्वाद अपने सब पहले राजे आंगन वणवायो वणार सभा भरवार वास्ते यो राजे आंगन है यो राजे आंगन केवा और वो नौ ग्रहारो महल है जो मंदिर है तो नौ चौकी महल केवा वे ताकि और मेने जो मंदिर है वो है अपने विष्णु रो क्योंकि नवग्रह जो चाले भी विष्णु चाले तो विष्णु रो मंदिर वटे वणी राख्यो है वणा महीने में विष्णु रो मंदिर है और पूजा वे रोज सवेरे अपने ब्राह्मण आवे तो वणी मेने में घड़ी घड़ी यूज कह रही हूँ भाव जी राज सब जणा ने ऐसा नियुक्त कर रहा है कि सब जणा ने रोजी रोटी मिले है तो मैं हर बार वणा रही हूँ क्यों वणा ने धन्यवाद दे कि मैं तो और लंबी उम्र काम ना करा क्योंकि अतरो काम करे सब ने जतरो भी सके जितरो काम भी देता जा रहा है हर मंदिर में हर एक ब्राह्मण ने वणा नियुक्त कर रहा है कि जो सुबह
हाँ जी इन सब तो अटारा जतरा भी मंदिर है वना सब में पूजा अभी भी वे आज भी है आज भी है और सब हर मंदिर में ने हर एक जगह अलग अलग ब्राह्मण राग रह गया है और जो कोई भी अटे रॉयल फैमिली जो रेवे है वना ने समय समय बुलाता रहे चाहे अश्व पूजन भी हो होली पूजन भी हो सब ब्राह्मणा ने ज्यादा से ज्यादा बुलाइन दान दक्षिणा देवारो काम आल तक भी चाली तो यो म्यूजियम ने आप यूँ कह सका कि यो खाली खाली एक म्यूजियम ही नहीं है यो पूरा घर है हवेली टाइप पूरा यो आप ये सभी देखो जो आपने बाबूजी राज जो व्यवस्था कर रखी है साफ सफाई री मारे सब रिक्वेस्ट है जितना गाइड है जितना काम करवा वाला है अणी से मेल री आपनों घर हमजन साफ सफाई करो कोई कचरो नीचे पड़ो तो कोई उठाई मणि डस्टबिन जगह जगह रख रहा है कचरा पात मणि मिले नाक वरी आप थोड़ी प्रार्थना है क्योंकि यह चीज आपने बरकरार रहनी चाहिए ताकि आपनों मेल और अपने शहर साफ रहे बिल्कुल और जो भी एक या चीज़ मैं भी देखी हूँ कि यो जो पैलेस है अपना सिटी पैलेस यो एक अशो पैलेस है जड़ी में बहुत ज़्यादा ध्यान रखियो है कि हम लोग क्लीन रहे हमारी जगह साफ रहे सफाई के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है तो मैं भी आप सबसे भी यही चाहती हूँ कि जहाँ पे भी आप घूमने जाएं तो वहाँ पे सफाई का आप ध्यान रखें आप जो भी चीज़ें वहाँ लेके जाते हो पिकनिक स्पॉट समझ के तो उनको इधर उधर ना फेंकें और उनको डस्टबिन में फेंकें तो हम ध्यान रखेंगे तभी हमारी ये जो कल्चर है सब हमारे मूल हैं ये बच जाएंगे तो अब हम जा रहे हैं नौ चौकी महल यहाँ पे नवग्रह मंदिर है ये और इसमें विष्णु जी का भी यहाँ पे और यहाँ पे हमेशा पूजा हुआ करती है क्योंकि यहाँ पे अभी जैसे हमको अंकल ने बताया कि यहाँ पे रोज़ हमारे यहाँ के महाराज ने पूरा इसको इस तरह से नहीं रखा हुआ कि ये सिर्फ एक म्यूज़ियम है ये घर की तरह हमने रखा हुआ है और घर का जो मंदिर होता है जिसके हम हर समय पूजा करते रहते हैं उसी तरह से रोज़ यहाँ पे पूजा होती है अलग अलग पंडितों को यहाँ पे नियुक्त किया हुआ है तो अब हम देखते हैं ये मंदिर आ जाओ ये साधु महात्मा प्रेमगिरी जी की मूर्ति है ये प्रेमगिरी जी की मूर्ति है धोनी माता रे पूजा करनी और ये नाथ संप्रदाय में खेवा है प्रेमगिरी जी अच्छा जी काना में बड़ा बड़ा कुंडल वगैरह पहरे अच्छा दरवाजा हुकम सारा छोटा छोटा आएगा सीढ़िया पकड़ते सब मोटा मोटा है तो माता रो पगरो धोरो ध्यान राख राख चढ़ जो ये सुरक्षा रे वास्ते किधर तक अच्छा तो सब तो पहला तो बहुत लंबा लंबा वेता है कोई भी आवे तो अपने सर नमय ना आवानो अच्छा और अटे आवे धीरे धीरे आवानो ठीक है साहब श्री राम क्योंकि ये राम रा वंशज है लव रा अच्छा जो ये अपने राम जी की मूर्ति है देखो और ये पीछे दीवार पे अपने परी चित्रकारी जो उभारी थकी है क्योंकि ये मंदिर रूप में काम आतो अच्छा और आप रे पास ये अटे जो है या देखी रहा हो जो एक ही पत्थर रो जो बने थको है कतरो बढ़िया हमने 1620 में जदि बने रखियो ने पहला वदी जदि जदि महाराणा साहब रो हजूर रो जदि राज तिलक वे तो राज तिलक के समय में अपने वणारे टाइम में 1,00,000 चांदी रा सिक्का भरिया जाता अणी में भरिया जाता अच्छा। और ये सिक्का बाणे ले जाइन हजूर बाणे विराजता जनता एक एक करन आती तो नजराना रे तोर भी सबने अपने एक एक सिक्को दान देता रहता है तो अतरा दानवीर बनू पहले वेता था का पहले हाँ तो आबार भी है देखो तो मैं यही चीज़ कि पहले जो परंपरा बनी था कि आई रही वह आबार तक भी है कि दान दक्षिणा भरपूर सबने आबार भी मिल रही है जब पहले भी मिलती ही ताकि जनता आना हाथे आई ना महल में काम करती तो अपन ईमानदारी काम करती जेणू यो मेल अतरो ऊँचो खड़ो भी है और अत्र अति मजबूत नीवा रही है क्योंकि मेवाड़ महीने जो है या मेवाड़ धरती ऐसी है शांति प्रिय अणी महीने मजबूती रो काम करवाना और शांति प्रिय तो चोरी चकारी नहीं सब आराम काम करता है तो यो जो अटू जो ये जो सिक्का है वे कटे जाता है मतलब अटे मानक किस तरह नहीं बाण विरासता बाण है जटे मानक चौक है वटे ये नजराना रे तौर पे अपने दान देता है सब जनता एक एक करन आती सिर नमय नाती तो एक एक सिक्को अपने वणारे हजूर हाथ में रखता है फेंकवारो काम नहीं हो अबे आप वाड़ी मेलरी तरफ जा रहे हैं तो रास्ता छोटा छोटा आएगा बाणा छोटा छोटा आएगा और पकड़तिया जो है मोटा मोटा आएगा क्योंकि भी सुरक्षा रे वास्ते बनता है पहले जमाना में ने कि कोई भी अपने हथियार लेन नहीं घुस सके अणी में ने और कोई भी आएगा तो अपन माथो न मही आएगा और एक एक करण आएगा धीरे धीरे तो शांति बनी रहेगा दरवाजा भी छोटा वेता था और पकते मोटा मोटा वेता धीरे धीरे आएगा तो अच्छा। सुरक्षा पहले देखी जाती है रणी महीने मेल महीने चूनो ज़्यादा लागे तक तो यह जतरा भी है मार्बल रे बाद में चूना रो प्लास्टर यह जो जाली है अन्य जरो को कहवे है
अच्छा हवा भी आती राणिया छोटी मोटी चीजा देखती थी पहले राणिया रे मेल में ऐसी जालिया वेती ही तो अटू कर दिया तो बारी केवे अच्छा बारी नहीं ने जाली केवे जारी केवे जरो को केवे तो देख आप ही देख लो महीनू महीनू माने देख रियो आपने पर मानू कोई आपने नहीं देख रियो हां आप भी देख रियो अच्छा बानू महीने नहीं दिखेगा अच्छा तो जो अटे राणिया उबी वेन पछे बाहर ने देख पासी तो बाहर ने आपने बटू आप आया नहीं बाड़ू बाण बे बाण आया राज आंगन में अच्छा 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 ठीक है चला सर माइंड योर हेड वैसे मेरी हाइट बहुत छोटी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता मैं सीधी चली जाती हूँ ये बहुत ही सकड़ा सा है ये बहुत ही सकड़ा है लेकिन मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं ऐसे सीधी चली जाती हूँ ये भी बारी है यहाँ से भी रानी ऐसे देख लिया करती होंगी जब भी कोई दुश्मन का अटैक होता होगा और फिर यहाँ से देख के और फिर सीधा अपने सर का ध्यान रखें तो अबे माँ आई गया हम वाड़ी महल यो वाड़ी महल है और अबे भाई साहब बता गए अनी वाड़ी महल ने महाराणा अमर सिंह जी जो अपने आठवां नंबर रहा वना बनायो 1698 लेन 1699 मीने और सब जना ने आश्चर्य वेवे के चौथा मंजिल पे तो आप आई गया हाँ और चौथा मंजिल पे आया केड़े आपने अतरा मोटा मोटा रूंगड़ा दिखे अतरो मोटो मोटो घाट दिख बगीचो दिखे तो यो तो कटे वे ही नहीं सके यो किस तरह कर दी तो क्योंकि इन्हें वणाओ मीने वणा जो अपने दिमाग लगाए हो और अतरी खूबसूरत चीज बनाई ही तो ये अपने छोटी सी मंगरी बच्चे आएगी ही तो मंगरी ने ऊपर ये रूंगड़ा सब लगे तक है अणी मंगरी ने पूरी नीचू लेन अतरी चौड़ी दीवार बनाई ठेठ ऊंचा तक चौथा मंजिल पे ये 104 जो पिलर बनाया ने अपने ये सारा मार्बल रहा बनाया था कहते तो पुराना है तो ये अनारे अपने होली खेलवारे वास्ते आते राजा महाराजा रे अपने राव उमराव ठाकुर वास्ते अपने ये मौज मस्ती वास्ते काम आती ही तो ये पानी भरियो जाते हो और अणीज पानी में पे वर्करों पानी भरता है या तालाब भरता तो वो पानी जो नीचे जाते हो तो बनी अपने एक दीवार ही बनी मैंने फुआरा चलता अच्छा तो ये मतलब स्विमिंग पूल भी क्यों स्विमिंग पूल भी तो ये जो रुकड़ा है ये पहली रही से ये कटवाया तो नहीं है नहीं यानी मैंने नरे पुराना भी गया हट गया पर नरे ये पाछा प्लांट लगवा दिया है अच्छा अच्छा ये मोटा भी जाएगा अच्छा ये है ये अपने जड़ा अटेरी अटेरी जो चौथा मंजिल पर नीचे कहीं कोई नहीं है यह सब खूबसूरत जगह और अणी जगह ने कही के वाड़ी महल वाड़ी महल वाड़ी महल अपने मेवाड़ी में कहवे इन्हें वाड़ी महल अच्छा यह अतरी खूबसूरत जगह है वाड़ी मतलब तो वाड़ी है तो अपने वाड़ो वे जो वाड़ो वाड़ो वे तो जो तो गाया पैसा बंदी वाड़ी वेती जेनी बाग बगीचा बाग बगीचा वाड़ी कहते हैं तो इसीलिए इसका नाम वाड़ी है तो आप ऊपर था कहां बटे ये देखो अपने कतरा बढ़िया फूल बढ़िया थका है हाँ, अभी देखे ये खूबसूरती रे वास्ते लेकिन खूबसूरती भी बेती लेकिन एक आदमी अटे बैठता एक अटी बैठता और अटे थाली बच्चे अटे थाली रखता था आराम जिमन जिम सकता है फूल बनाई रखियो है वणारे वास्ते अच्छा। तो नहाओ धोवा अपने सारो यो काम आतो हो तो ये राजा रे जो राव उमराव ठाकुर साहब नो आता है होली खेलता मौज मस्ती रे वास्ते ये जगह काम में आती है तो अटू होली खेल आराम अटे आराम अटे जिमो जिम सके अच्छा ठीक है अबे आप अटू जो पधार रिया हो तो आप अगली तरफ जो बढ़ रहा है जिस तरह माणा साहब आगे 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 मेल ने बनाते रिया है तो अगलो भाग अबे आतो जाएगा अच्छा ये आपने मैं पहले जो अरज की थी मेरा बीज अपने छोटा छोटा तो ये लकड़ी लगी दीदा लुवर टाइप अटू भी राणे विराजती नीचे कोई प्रोग्राम है तो सभा वेती देख सकती कोई नहीं देख सकते तो देखो साहब सब जने कहते हैं कि पुराने लोग बहुत पिछड़े हुए होते हैं उन्हें साइंस का कोई पता नहीं होता ये देखिए साहब कितना स्मार्ट डिसीजन था कि रानियों को बाहर से अंदर कोई नहीं देख पाता था और रानियों को जब कुछ बाहर देखना होता था तो वो यहाँ से देख लिया करती थी अब हम जब इसको ऐसे नीचे ऊपर खींच देते तो ये बंद हो जाता है और जब इसको नीचे खींच के जरा लेफ्ट मोड़ देते तो ये इसे लॉक हो जाता है इसे हमें पकड़ के नहीं रखना पड़ता अगर आप जो देख रहे हैं सब वो खूबसूरत जो कमरों है जो कि भरत मीने कटी थी मंडप काचरों काम अतरो बढ़िया है अड़ी मीने 1861 शंभू सिंह जी ने समेरों बनती जमीन भी काच दी है हाथी दादरा दरवाजा है अच्छा लेकिन हाथी रे दादरा जो दरवाजा बनता है अभी हाथी ने मारिया नहीं जाता अच्छा हाथी रे दांत काटिया जाता था भगर मारिया मंडप बाद में नहीं दरवाजा बनाता है पर हाथी पचे वणी में मने दुख तो नहीं दुख नहीं मैं तो कतरे हाथी अबार भी आप देखोगे दांत नहीं मेटल रिंग लागी थकी है हाँ 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 गरीब बनी मिलने में अच्छा अच्छा
महावत वे नहीं महावत हाँ। टेक्निक ने जाने ने किस तरह वो काटन हो ये महावता रो काम रहते हो जैसे महावता हाथी है सब ये काम करता है वगर मारे हाथी रहता है दरवाजा बनता है और काज सब आते हो मानू यूरोप आते हो पर काम करने वाला अटला जो कारीगर रहता है सलावट ज्यादा होता है जाना पूरी सलावट क्या होता है ये सलावट मुस्लिम है जो अपने कारीगरी रो काम करे अच्छा सारो काच रो काम करना सिलावटी काम करना सिलावट रो मतलब हर चीज रो जो सल निकाल देना एकदम प्लेन ऐसी चीज बनानी कि वना ने सिलावट के अतरी तारीख बारीकों काम करनो वो आओ वाला खूबसूरत चीज देखी थके तो भी उम्दा कारीगर अटे हाज अपने 16 से 20 रे बाद में करण सिंह जी बाद में जी वसाया गया पूरी सिलावट वाड़ी बनारी वेगी कि मेल बनानो भी है वंडे बाद में भी रख रखा वनो करनो है काचरो काम भी या तो ये करता है या पी भी शर्मा जी वेता का मैंने सुथार नहीं हाँ, सुथार। करवरा ये दो कारीगर ज्यादा करता है तो अणी मैंने ज्यादातर अनारो काम सहयोग ज्यादा तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जाति भेद बिल्कुल भी नहीं रखा गया कोई जाति भेद नहीं है यहाँ पे महाराणा प्रताप का तो ये अहम रहा था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे मिलजुल के रहे बनारो कणी ने मारवारो कोई जाए नहीं हो बस कि हमारी ये बहन बेटी सुरक्षित रहे ये वास्ते अणी वास्ते भी युद्ध करता है बाकी अणी मैंने बना रही हूँ मैं अपने राज्य विस्तार कर रहा ये चीज ये महाराणा सभी करता है नबार भी ये अभी भी इसी को फॉलो कर रहे हैं पहले से आज तक इसी को फॉलो कर रहे हैं सब धर्म ने मान सब धर्म रहते जा रहे हैं हमारे बाप जी ने पधार लिया तो वारी वही चीज है सर्व धर्म भैया वाह। अब मैं जो चीज आपको बताने जा रहा हूँ वो इस पैलेस में इतनी खूबसूरत है कि उसको बारीकी से देखने वाला ही देखता कांच का पच्चीकारी का काम जो कहते हैं उसके अंदर इतने मिनीचर काम किया हुआ है उसमें आपको राधा कृष्ण और अपने ये शिव पार्वती की छोटी छोटी मिनीचर बताऊंगा जो आप देखिए ये शिव पार्वती है कहाँ है शिव पार्वती अच्छा अरे वाह राधा कृष्ण है अरे वाह ये देखने वाला और बनाने वाले जो है ये यहाँ पे आप पर ये राधा कृष्ण है ये शिव पार्वती और ये शिव पार्वती है अरे वाह जो हर किसी के समझ में आता नहीं है कहाँ जाए देखने के लिए कांच का पच्चीकारी का काम हर जगह होता है लेकिन इसमें इतना बारीकी से काम कराया हुआ है ये देखिए ये सीढ़ियाँ है ना ये बहुत ऊंची है और इसमें खास बात है ये जो है ना ये टंचा रखी है ये ना इनको टंचा मेवाड़ी में इसको टचाना बोलते हैं जिससे क्या है कि कोई अगर बहुत तेजी से दौड़ के आ रहा है ना तो वो गिरेगा नहीं यहाँ से बिल्कुल ये रफ होता है इससे रफ बन जाती है ये देखो आप हर एक सीढ़ी पे है ये इस तरह से इसको टचाना बोलते हैं और ये चलता रहता है और ये काम होता रहता है चलता ही रहता है ऐसा नहीं कि बस घिस जाए और उसको छोड़ दिया यहाँ पे ये व्यवस्था मुझे बहुत अच्छी लगी कि हर जगह पे यहाँ पे रेलिंग है ताकि सपोर्ट एक रहे क्योंकि सीढ़ियाँ काफ़ी काफ़ी ऊंची है तो इसलिए आप भी यहाँ आए तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि भाई गिर मत जाना नहीं तो हार्ड क्या टूट जाएगा और ये देखो ये है गुप्त द्वार जो जिसे हम तो नहीं खोल सकते लेकिन हाँ यहाँ से जब दुश्मन की जब हमारे ऊपर अटैक हो जाता था तो यहाँ से गुप्त द्वार से निकल के चले जाया करते थे और यहाँ पे सब जगह एग्जॉस्ट लगाया हुआ है जो कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सकड़ी है और ये रेलिंग्स मुझे बहुत अच्छी लगी सपोर्ट के लिए ये वो मोती महल है जिसमें खूबसूरत अपने मिरर लगे हुए हैं सीना जी की चित्रकार लगी हुई है यहाँ पर और रानियाँ जब भी अपने यहाँ पर आती राजा के महल में इन रंगीन कांच से बाहर देखा करती थी अच्छा उनके बैठने के लिए कुर्सी होती ऐसे पंखे होते जो हाथ से अपने झुलाए जाते उनके हवा खड़ी की जाती मोती में जैसे सुंदर इसलिए मोती महल इसका नाम है और फिर आप ये देखिए दोनों तरफ हाथीनाथ के ये खूबसूरत दरवाजे लगे हुए हैं जो कहाँ पर अपने हिले मंदिर या अपने कोई अच्छा कमरा होता उसमें लगाए जाते थे तो वहाँ से निकाल के इसको तैयार करके अभी सुरक्षित यहाँ रहते हैं अच्छा अच्छा तो ये जो फूल बने लगे ये भी हाथीनाथ है और दूसरी चीज़ है जितने भी फर्नीचर बने हुए हैं जितने कारपेट है दरी है जो जेल में कैदी लोग होते थे उनसे ये सारी बनवाते थे और उनको मेहनताना दिया जाता था कि उनके घर वाले भी पेट पूजा कर सके अरे वाह ये चीज़ें अपने यहाँ पर देखी जाती थी उनसे भी ये काम कराया जाता था तो उनको मेहनताना दिया जाता था ये वो महाराणा भीम सिंह जी का कक्ष है जिनके समय में चित्रकारी का काम सबसे ज़्यादा हुआ था 1778 से 1828 तक उनका शासन था इस 51 साल के शासन में 3800 ने जो उन्नीति
की थी कारीगरों ने, उन्होंने बना शुरू किया था। तो ये अपने ब्लू कलर उस समय का, जब वापस इसको पेंट करते रहते हैं तो ये उनके ट्रेडिशनल जो बैठक होती थी वहाँ रेट के महाराणा साहब अपने हुक्का पीते थे, रानियों से बातचीत करते थे, ऐसे ये बने हुए ऐसे कपड़े के होते थे, छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़, चौपड़ भाषा का गेम अच्छा, होता ये, था ये चौपड़ है चौपड़ ना? का गेम अच्छा। और जो ये आप कुर्सी देख रहे हैं ये पुरानी जो शीशम सागवान की बनाई जाती, तो दीवारों पर जैसे आपने कांच का काम देखा वैसे इनके फर्नीचर जो होते थे उस पर भी ये कांच का काम होता था। अच्छा। वो अपने आदमगढ़ चित्र लगा हुआ है, वो अपने महाराणा भीम सिंह जी जो है 15वें नंबर के राजा उनका है, महाराणा साहब का है। अच्छा, इन्होंने अच्छा। हमें आर्टिस्ट को चित्रकारों को बहुत से अपने ला करके, क्योंकि जैसे जैसे महाराणा साहब बनाते गए यहाँ पर अपने चित्रकार भी आते गए, कारीगर भी आते गए, उनको प्रमोट करने का सारी जगह ये श्रेय जाता है। तो आज इस चित्रकारी की वजह से हजारों परिवार लाखों परिवार अपने पेट भर रहे हैं। तो मेवाड़ की जो मिनीचर आती है कहते हैं वो यहाँ की बहुत ही फेमस है, उनका कलर अच्छा चांदी का सोने का काम उसमें किया जाता है। ये जो आप सुंदर नज़ारा देख रहे हैं यहाँ पर अपने रानी अलग अलग खड़ी रह करके सवेरे उगते हुए सूर्य को भी प्रणाम कर सकती थी। चांदनी जैसे पर्दे लगते थे, पहले किवाड़ नहीं थे तो अपने जनता का जो दरबार या लगता है, जनता की एक्टिविटी होती थी, खेल तमाशे होते वो भी देख सकती थी। इसको महाराणा स्वरूप सिंह जी ने बनाया 1842 में, सूर्य प्रकाश की गैलरी इसको कहते हैं। तो एक तरफ इतनी बढ़िया खिड़कियाँ बनी हुई है, दूसरी तरफ इसमें घोंकड़ा बनाया, घोंकड़े के आसपास में अपने चित्रकारी है, इसमें जो चकाच का काम है अंदर बाहर दोनों तरफ ये देखने को मिलता है। यहाँ से भी बाहर देख सकते हैं? नहीं, ये जो है अपने अंदर कांच अलग है, बाहर कांच अलग है। अच्छा अच्छा। ये कांच लगाया हुआ है और आखिर में जो अपने ये लगाया हुआ है शीशे, इसको बोलते हैं फिगरी वर्क। इसके अंदर अपने एक दिया जलाते हैं तो अपने 100 लाइट हो जाती है, इसने तो पूरा एक तरफ से ही जगमग करेगा उधर से तो लाइट की रोशनी रहेगी। ये महाराणा साहब ये पदार्थ है तो जनता को दर्शन देने के लिए ये घोगड़ा है, इसको अपने बनाया पहले था 1620 के बाद में, लेकिन उन्होंने इसको अच्छा सा अपने मरम्मत करके और इसमें कांच का काम चित्रकारी का काम सारा करवाया हुआ है। हमको गाइड सर ने एक ऐसी बात बताई थी कि ये देखो ये जो पेंटिंग है, ये जो कांच का वर्क है, इसके अंदर क्या होता है कि जब हम एक दिया जलाते हैं ना, एक दिया जलाते हैं तो इससे जो रोशनी है वो सारी निकल के इतनी सारी बन जाती है कि यहाँ पे पूरा जो ये यहाँ पे सिर्फ एक दिए से इतनी रोशनी हो जाती है कि एक ट्यूब लाइट से भी ज़्यादा होती है वो। तो ये इस वजह से ये पेंटिंग को यहाँ बनाया हुआ है, मतलब हर एक छोटी छोटी चीज़ में कितना सोच समझ के हमारे पुराने लोग किया करते थे। ये स्वरूप सिंह जी ने बनाया है, ये देखा रहे ये जो आप देख रहे हैं भोपाल सिंह जी महाराणा साहब विराजे हुए हैं। 1930 से 1955 तक इनका शासन था, इन्होंने सारे जो डेवलप किया है वो उदयपुर में, इनको सारा श्रेय जाता है, जनता की भलाई का काम किया। और इनको 16 साल की उम्र में रीढ़ की हड्डी में कोई स्पाइनर होने से चल फिर नहीं सकते थे महाराणा साहब, तो बड़े ही सिंपल सादगी से रहते थे। इनकी व्हील चेयर सोफ़ा पलंग सब रखा हुआ है और यही वो महाराणा साहब है जो स्वतंत्रता के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना राज्यपाठ जो है साइन करके सौंपा था, इनको महाराज प्रमुख का सबसे ऊपर जो ओहदा है पद वो दिया हुआ था। अच्छा। इनके हाथ में पावर 1955 तक था भोपाल सिंह जी का, इनको सब डेवलप करने का श्रेय जाता है। अभी वाले जो महाराणा विराज थे उनके दादाजी है ये। अच्छा, और वो ये पातल क्यों रखी हुई है पातल? तो महाराणा प्रताप जो खाना खाते थे वो तो यहाँ रख दी, रखनी दूसरी जगह इसको। अच्छा। और इनके लिए लिफ्ट भी लगी हुई थी, तो लिफ्ट पहले हाथ से चलने वाली थी। अच्छा। हाथ से चलने वाली लिफ्ट को हटा करके 1940 में इन्होंने वो लिफ्ट लगाई जो अभी भी चलती है। अभी भी कोई देखो यहाँ पर अपाहिज आ जाता है या ऐसा आता है ना हार्ट पेशेंट, उसको यहाँ ला करके ये चीज बताने के लिए रखी हुई है। तो अब हम आ गए हैं सूर्य चौपा, सूर्य प्रकाश। यहाँ पर ये जो सूर्य बना हुआ है कि महाराणा साहब को कभी बरसात के दिनों में सूर्य के दर्शन नहीं होते, तो इसके दर्शन करके फिर वो अपने सवेरे के अपने सारी इंतजाम करके सारा अपने कार्यवाही शुरू करते थे। इसमें अभी 108 तोला सोना लगा हुआ है तांबे को, ये चमकता है। इसके अच्छा। सूर्यवंशी राजाओं का चिन्ह भी है, सूर्य की पूजा वैसे ही रोज करनी चाहिए। तो ये महाराणा साहब के लिए स्पेशल प्राइवेट बनाया हुआ सूर्य मंदिर है। हथियार कक्ष में चल रहे हैं जो सबसे पुराना है, 1620 में इसको बनवाया था महाराणा करण सिंह जी ने, जो हथियार बनते भी यही थे, रखते भी यही थे, जो उनके सुरक्षा के लिए भी काम में आते थे, उनके अपने शिकार के लिए भी काम में आते थे। तो अलग अलग तरह के हथियार हैं जो अपने भारत में हट करके यहाँ रखे हुए, लेकिन अपन जब महाराणा प्रताप की बात करते हैं तो उन्होंने जितने युद्ध लड़े उस युद्ध में जो अपने हथियार काम में लिए उनके सारे ओरिजिनल यहाँ हथियार रखे हुए,
एक चीज आप देखना कि यहाँ पर राणा प्रताप अपने घोड़े चेतक के ऊपर हो, नाटक के ऊपर हो, त्राटक के ऊपर हो, युद्ध के अंदर जब भी जाते थे तो वो अपने उसके ऊपर घोड़े के जैसे, हाथी के जैसे सूंड लगा देते थे, क्योंकि दुश्मन जो होते थे कमांडर वो अपने हाथी काम में लेते थे। तो जब भी राणा प्रताप अपने घोड़े को सूंड लगा के हाथी के सामने ले जाते तो वो हाथी हाथी का बच्चा समझता और वो उसको मारता नहीं था। अच्छा, हाथी हाथी के बच्चे को मारता नहीं है, इसलिए ये दिमाग लगाया था। अरे वाह। और हल्दी घाटी का जो युद्ध जीतते हुए शुरू किया था तो अकबर कभी उनके सामने नहीं आया, और महाराणा प्रताप के जो हथियार है उनका बख्तर है, भाला है, तलवार है, 35 किलो वजन है। अगर कोई कहे 80 किलो है तो नहीं, हथियार जितने हल्के होते उतने तेज चलते। अच्छा। इतने सूरवीर बहादुर महाराणा प्रताप ने जो हथियार काम में लिए थे उनको अभी सहेज करके यहाँ रखा हुआ है। फिर उसके बाद जैसे जैसे महाराणा साहब आते गए, जैसे जैसे अपने तलवार बनती गई, शमशीर बनती गई, पट्टा बनता गया, कांटा है, डेगर है, ये सभी चीज़ें इतनी बढ़िया सजा के अभी रखी हुई है। महाराणा साहब अपने महाराज कुमार साहब ने इनको इतना बढ़िया खोल दिया है कि हथियार ऐसे दूसरे जगह कहीं म्यूजियम में देखने को नहीं मिलता है कि इतनी बढ़िया इसको रखा है यहाँ पर। वो का वो सोने का चांदी का इनका काम किया हुआ। तो ये सारे ये सब असली है, सब असली, ये सब पहने हुए हैं, ये सब पहने हुए हैं, चाहे उनके कमांडो हो, चाहे महाराणा साहब शिकार पे मदार थे तो पहनते थे, ये सारे उनके पहने हुए हैं, उनके यूज में लिए हुए हैं, ये हथियार यहाँ रखे हुए। अच्छा अच्छा, इसको सिले खाना बोलते। तो जैसे है ना, यहाँ पे अगर है ना हमको मतलब अगर जानना हो कि हमें ये हथियार के बारे में कि क्या नाम है इनका, तो इनके इसका अपने जिरे बख्तर बोलते हैं। अच्छा, शरीर पे पहना जाता है सुरक्षा के लिए, सुरक्षा कवच, जो पहले जमाने में लोहा है क्या ये लोहे फौलाद में बनता था, लोहे को फूट फूट के जब फौलाद बनाते ना उस फौलाद के ये बनते थे सारे। और ये सिकलीगर जो होते हैं वो सोने चांदी का काम इस पे करते थे, क्योंकि शाही हथियार है, तो युद्ध के बाद में जो काम में आते थे, हर महाराणा साहब के हाथ में रहते थे, कहीं अपने शिकार पे जाते तो जो तलवार वगैरह रखते थे वो सारी चीज़ें रखी पहले यहाँ पर ही रखी जाती थी। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक का घोड़ा लगे, इतना बड़ा चेतक लगता था, उसको हाथी का बच्चा बना दिया है। ये हाथी का बच्चा बना दिया है क्योंकि ऐसा होता है कि हाथी अपने बच्चे को नहीं मारता है कभी भी। और वो महाराणा प्रताप जी के हथियार है जिनका अपने आदम कद को बना के उसको ऊपर पहनाया हुआ है। ये कैसे उनके हथियार से इनका 35 किलो वजन है। अच्छा, इनका खूबसूरती दिखती है यहाँ पर कि महाराणा साहब का जो नाम लिया जाता है उनके हथियार कैसे थे ये देखने से होता है। इन्हीं हथियारों से, इन्हीं के डर से अकबर कभी इनके सामने नहीं आता। खंजर बोलते हैं, खंजर बोलते हैं इनको, जो बारूद वाली होती थी ये है सारी। और आपके पीछे जो रखी हुई है ये सारी अपने इनके शिकार के लिए पदार्थ थे, महाराणा साहब जो शिकार के ऊपर सभी साथ में ले जाते थे। ये बारूद भरने के लिए काम में आता था, कुप्पी जिसमें कि हवा नहीं लगे, पानी नहीं लगे तो बारूद काम में आ सकता है। ये सारी ये खुलता होगा, ये खुलता है, इसमें एक ढक्कन खुलता है, उसमें भर के वापस ढक्कन लगा के शिकार में पदार्थ ये लेके जाते थे। और कभी चीज़ आपने ऐसी देखी होगी, एक म्यान में दो तलवार नहीं होती, लेकिन हमने यहाँ पर ऐसी चीज़ रखी है एक म्यान में दो तलवार होती है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपने अगर गाइड नहीं हायर किया है और अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें क्या है उसके बारे में जानना, तो ये नीचे ही यहाँ पे बिल्कुल ये सुविधा दी हुई है कि आप यहाँ पे नंबर देंगे, लिख के यहाँ पे बताया हुआ है कि इसको एक नंबर पे जो है वो चाकू है, फिर बारूद की कुप्पी है, तो इस तरह से आप यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप पूरी तरह से यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये देखो, कोई भी कहता ना कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती, लेकिन मेवाड़ में ये देखो एक म्यान में दो तलवार रखी, इससे सहारा सौहार्द बना रहता है, सब एक साथ रह सकते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं हो। अंकुश बनाए हुए, अंकुश के ऊपर लगी हुई ये सारी पीछे, ये तो वो संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है, ये शक्ति का प्रतीक बताया हुआ है। ढाल बताए इसके आगे, ये देखो तमंचे और पिस्तौल साइड लगी हुई है, ये क्या है, ढाल के ऊपर टाइप बनाई हुई है, निकलती बाहर अंदर से। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये तलवार और अपने खांडा इनमें पिस्तौल लगाई हुई है इन्होंने, यहाँ पे पिस्तौल है। अच्छा, ये जो आगे है इसमें, और ये सारा सोने का काम है, बारीक इतना काम इसमें, सभी में अपने सोने और चांदी का काम किया हुआ है। और ये पिस्टल है, पिस्टल है, और इसमें ये देखो आगे जो रखा हुआ तीर जैसा, उसमें वो तीर भी निकलता है, गोली भी निकलती है। अच्छा, एक बंद दो काज हो जाते हैं वैसा काम होता है। ये देखो ये अपने कटार भी आती है, ये गुप्ती भी काम में आती है, इसमें अंदर से सारी चाकू निकलता है। अच्छा। और अपने राजा महाराणा साहब के जो शाही तलवार होती थी, ये शादी में कोई अपने तोरण बांधने के लिए, ये ऐसी तलवारें काम में ली जाती है। अच्छा, ये देखिए, और सामने जो आपके वहाँ रखी हुई है वो सारी अपने माउजर है, राइफल है, उसके नीचे रखे हैं उनको बेनेट बोलते हैं, जो अपने राइफल के ऊपर लगाए जाते हैं,
ये चीजें अपने हथियारों का जो कलेक्शन है वो और भी आ रहा है, जैसे जैसे इसको बढ़ाते जा तो हथियार में अभी हमारे यहाँ पे कलेक्शन में और वृद्धि होती और बढ़ता जा रहा है, और भी होता जा रहा है। ओ आड़ो तो दरब जा मनक। अच्छा ये बारीक उन्होंने काम किया हुआ है इसके ऊपर। अच्छा देखो नहीं आप, नौ दुर्गा। अच्छा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। हाँ नीचे नीचे लक्ष्मी है, गणपति जी की पूजा करके नौ दुर्गा की अपने पूजा करो। अच्छा ये चीज़ है। और बाहर जो अपन देखेंगे वो अपने 1842 के बाद के जो है अपने पिस्तौल है, ये अपने ये रिवॉल्वर है, ये सारी रखी हुई है और पेन जैसी पिस्तौल भी रखी हुई है। पेन पिस्तौल नीचे जो रखी हुई है पेन पिस्तौल है, दिखने में पेन दिखता है लेकिन ये पिस्तौल, इसमें से छोटी गोली निकलती है, दो रखी हुई है दोनों तरफ है, इसमें देसी कट्टे हैं, तमंचे हैं, रिवॉल्वर है, 4 राउंड की 6 राउंड की अलग अलग बने हुए 1842 के बाद की, ये 4 कारतूस के, इसको 4 बैरल बोलते हैं, 2 बैरल की, ये सारे हथियार हैं। तो ये बुशर्ट में मेल दो इन्हें, अटैक पेन जैसी लागेगा और पेन जैसी लागेगा गोली मार दो, मनक मर जा रही हूँ, मनक अपने घायल भी घायल हो जाता है। ठीक है अब अपन रानी के महल में आ गए हैं। जो रानी के महल में आते ही ये जनानी ड्यूटी जो बोलते हैं, रानियां इधर से अंदर आती थी। अमर महल, अमर महल महाराणा प्रताप का बनाया, बाद में अमर सिंह जी का बनाया वो अमर महल 1597 से लेकर के 1620 तक का। अच्छा। ये अपन अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये इनके निजी मंदिर हुआ करते थे, जो अपने बायण माता जी शक्ति परिसर जो है ये पहले काम आता था, तो अपने बाबूजी राज की शादी के बाद में इसको अपने धीरे धीरे मॉडिफाइड करके इस मंदिर को उधर आगे शिफ्ट करके इतना बढ़िया जो है भारत का सबसे बढ़िया चांदी का खजाना जो खोला हुआ है। अपने देखो 7 फेरे लिए जाते तो चांदी का कितना वैभव होता है। तो राजा के महाराणा साहब के जो राजकुमारियों की शादी होती थी इसको लक्ष्मी चौक में अंदर बहुत बड़ा जो कोर्टयार्ड है वहाँ लगाया जाता है, 7 फेरे इसमें लिए जाते हैं, सारा जो अपने वैदिक रीति से ये सारा अपने उच्चारण वगैरह होता है ठीक है वैभव में किया जाता है, क्योंकि चांदी की इनके पास में कोई नहीं, चांदी की खुद की माइंस खोली हुई थी अपने राणा सांगा के सामने। और वो घट्टी क्यों बड़ी है? वो घट्टी, ये घट्टी अपने पीटी मेहंदी हल्दी पीसने के लिए काम आती है। अच्छा अच्छा, जो अपने दुल्हन दुल्हन को जो लगती है, लगती है ना वो अपने पीसने के लिए ये काम, तो यहाँ इन्हीं का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो ये जो रॉयल वेडिंग्स होती है उन सब के अंदर इसी के, सिर्फ ये रॉयल फैमिली के लिए, रॉयल फैमिली के लिए का ये असली जो खजाना है ये चांदी का खजाना है वो यहाँ रखा हुआ है। इसका नाम ही अमर महल दिया महाराणा प्रताप के बाद में, अमर सिंह जी का नाम बहुत से जने बताते नहीं, गाइड को भी नहीं आता है, लेकिन ये है कि अमर सिंह जी ने अपने रानियों को सुरक्षित करने के लिए लेडीज़ के लिए ये महल का निर्माण शुरू किया था, ताकि अपने लेडीज़ सुरक्षित रहेगी, युद्ध में हमेशा वो जीत सकेंगे। अच्छा, जो युद्ध होते थे रानियां यहाँ सुरक्षित रहती, तो रानियों के लिए स्पेशल रानी का महल बनाना शुरू किया महाराणा अमर सिंह जी को, ये श्रेय जाता है। तो पुराने ये जंतर की तरफ सारे इनके निजी जो मंदिर थे, बायण माता जी है, शक्ति परिषद है, इसको अपने आगे दूसरी तरफ शिफ्ट करके जितनी भी ये चांदी का खजाना यहाँ खोला हुआ था, ये चांदी की बग्घी 1940 चांदी की बग्घी पूरी, अभी अपने महाराणा साहब जो अरविंद सिंह जी विराजते हैं, सुशीला कुमारी जब पधारी थी 1940 में, तो वहाँ बीकानेर से ये अपने उपहार स्वरूप जो बग्घी दी हुई है ये रखी हुई है, गंगा सिंह जी ने अपने पोती के शादी के समय में, तो ये बीकानेर से जूनागढ़ से आई हुई ये बग्घी जो फोल्डिंग है यहाँ रखी हुई, अभी भी अपने इनके त्यौहार वगैरह होते हैं तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। महाराणा साहब जो महाराज कुमार साहब जो शादी करके पधारे थे, तो नया जो जोड़ा पधारा था तो इसी के अंदर अपने उनका स्वागत किया गया था, शहर से लाया गया था। और ये क्या है? ये अपने महाराणा गोपाल सिंह जी की कुर्सी है, जिनका कद छोटा था, अपने चल नहीं सकते थे, तो ये उनके लिए अपने चेयर लगाई जाती थी कहीं भी अपने तीज त्यौहार के बैठने के लिए। अच्छा, अंदर की तरफ अपने राम रेवाड़ी बोलते हैं, तो ये राम रेवाड़ी जो है अपने यहाँ पर अपने जन्माष्टमी के बाद में जब कृष्ण को नहलाने के लिए तालाब के किनारे ले जाते ना, तो छोटे बाल गोपाल को इसमें लेके जाते जल जुलनी एकादशी पे, ये राम रेवाड़ियाँ यहाँ बेवाण बेवाण जिसको बेवाणी है ना, ये इनको बेवाण बोलते हैं, और अपने राम रेवाड़ी इसको बोलते हैं राम रेवाड़ी इसको बोलते हैं। और यहाँ अंदर जब अपने जाएंगे देखेंगे तो इनके चांदी के एकलिंग जी के भगवान के जो यहाँ के मालिक है
तो उनके ऊपर छत्र लगाया जाता है, इतने भारी भारी छत्र होते हैं, उसका ये एक स्वरूप यार बताया हुआ है। इससे भी भारी चीज़ें 51 दीयों की आरती की जाती है इनके, समय समय पे अपने कंकुब रखा जाता है, रंग अबीर गुलाल सब रखा जाता है, इसकी ये डब्बियाँ रखी हुई है, कुछ नहीं कुछ पुरानी है, ये अपने अखंड दिया है, कपूर आरती है, अगरबत्ती जलाने के लिए है, वो अपने पान का बिड़ा जो चढ़ाया जाता है उन्हें, वो पान सुपारी के रखने के लिए पान कटर निकल रहे के सरोता रखा हुआ है, वो कमंडल जो होता है, और ये क्या है वो ये अपने सुपारी काटने का सरोता। अच्छा, सुपारी जिससे कटती है ये वो है, अपने और ये सब कुछ चांदी का है। चांदी का है सभी चीज, चांदी की अपनी, ये चांदी का है। किसी का अपने मंदिर का पाया रखना हो तो वो चांदी की करनी रखी हुई है। अच्छा 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 अच्छा, ये खूबसूरती है। अच्छा, जो मंदिर का पहला पाया सीमेंट का है ना, सीमेंट का या चूने का रखेंगे तो चांदी के उससे रखेंगे। अरे वाह, ये हमारी कला और ये हमारी संस्कृति की खूबसूरती है। अब आप जो एक देख रहे हैं ये मारवाड़ी मनानी जो घोड़े होते हैं, ये इतने बड़े बड़े घोड़े होते हैं कि इनको अपने शादी के लिए भी काम में लिया जाता है। जो अपने चेतक की बात करते हैं, ये चेतक का मॉडल जो बताया हुआ, ये घोड़ा कितना ऊंचा होगा, उस समय जो महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था जो उनके हर समय काम में आता था अपने। ये आप जो पीछे देख रहे हैं, हाइट देख रहे हैं आप ऊपर से, इसमें कैमरा में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये हाइट जो थी ये चेतक की हाइट थी, और ये पूरा सुसज्जित घोड़ा है, और इसको अभी शादियों के अंदर रॉयल फैमिलीज के अंदर काम लिया जाता है। और आप हाइट देखिए, एक बार आप हाइट देखिए सिर्फ, और मैं एकदम बराबर में खड़ी हूँ। ये चांदी का तामचाम बोलते हैं, छोटे बच्चों के लिए अपने लेके जाते हैं घुमाने के लिए, तो ये चांदी की जो अपने गोपाल की टाइप बोलते हैं, इसको तामजाम बोलते हैं। अबे आजकल स्ट्रॉलर आई गया, वरना घुमावा होता है। अच्छा, ये पुराना है, इतने भारी भारी गहने जो पूरा हाथी कैसे सुसज्जित होता था, जो अपने राजकुमारों की जो अपने बारात निकलती थी वो इसलिए है। और ये चांदी का होदा है जो अपने महाराणा साहब के राजकुमारों के शादी के समय समय पे काम में लिया जाता है। 2011 में भी ये काम में आया था, जब अपने शादी में पधार रहे थे पद्मजा जी भाई साहब के, तो उस समय इसको काम में लिया गया था। यहाँ पर अपने सवारी निकली थी उसके काम में लिया गया था। तो ये चांदी का होदा, ये चांदी जो आप देख रहे हैं हजारों किलो में, ये चांदी है। जो गहने देख रहे हैं वो अपने बहुत भारी भारी गहने हैं। होदा बोलते हैं इनको ना, होदा 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 होता है इसमें। फिरकी होती है जो शिकार के लिए जाते हैं, पालकी होती है वो अलग होती है। ये इनके चांदी का हुक्का रखा हुआ है। अच्छा, कभी कभी शो करवा लिए, चांदी का हुक्का है, चांदी की सुराही टाइप रखी हुई है। वो देखो अपने बाल गोपाल कृष्ण के लिए पहनने के लिए छोटे छोटे अपने पाए रखे हुए पैर में पहनने के लिए। वो गुसाई जी महाराज एकलिंग जी में पहनते, उनके जो अपने खड़ाऊ रखी हुई इसमें वो चांदी के रखे हुए जंगोटा पहनते हैं ना। ये खड़ाऊ है, कड़ा, ये कड़ा एंकलेट है ये। शादी के लिए जाते हैं ना राजकुमार वगैरह, तो वो पहना करते हैं इनको सारा। ये प्योर चांदी है, प्योर चांदी का। ये जितनी भी है ये ज्यादा ज्यादा प्योर चांदी है, काली पड़ती है इसको पॉलिश हो जाता है, ये प्योरिटी के लिए निशान है। अब चांदी के बर्तन में जो भगवान के भोग लगाना हो, तो आप जैसे कटोरी थाली हर जगह देखते हैं, लेकिन इन्होंने एक थाल बनाया है जिसमें सभी चीजें एक साथ आ जाती है। तो ये थाली का प्रचलन, इस थाल का प्रचलन अपने मेवाड़ से चला था। भोग कैसे लगता था, ये भोग लगने की जो प्रवृत्ति थी इसमें ये आता है। ये चांदी का थाल एक भगवान के जो अपने खीर और ये अपने जो हलवा वगैरह बनाया जाता है, तो चांदी की ऐसी उमदा चीज़ें उन्होंने ये बनवाई हुई। भगवान पहले है तो भगवान के साथ ये अपने ठाकुर जी सब पहला, ठाकुर जी सबसे पहले। अब इनके जो अपने खेलने के लिए होते हैं, तो ये छोटे और बड़ी जो चौपड़े थे इसमें ये पासे सारे चांदी के हैं। अच्छा, ये पासे चांदी के हैं यहाँ पे सारे, ज्वेल चौपर सेट। और ये चांदी के अपने ये क्या है, ये अपने शिव भगवान के ऊपर पानी जल चढ़ाने के लिए। इतना बड़ा उठता कैसे है ये? ये तो अपने उठा के ले जाते हैं, इसमें पानी भरते हैं, पानी भरते हैं एकलिंग जी के मंदिर में शिव पे अपने जल चढ़ाने के लिए जल अर्पण। और चांदी मीना की ये अपने चेस रखी हुई है, जो मीना का काम है, जो अभी भी नाथद्वारा में बहुत होता है। हाँ, मीना कार्य बिल्कुल, मीना में तो प्योर चांदी काम में आती है, कोई दूसरे काम में आ ही नहीं सकती है। अब अपन आगे की तरफ उतर रहे, तो कुछ फोटो फ्रेम है, तो सभी अलग अलग महाराणा साहब महाराजाओं के फोटो लगे हुए हैं। कुछ अपने अंग्रेज जो यहाँ आते थे, कुछ ये जिनके मिलने वाले हैं उनके फोटो आगे लगे हुए हैं। अच्छा। और ये अपने 2014 का ये पालना रखा हुआ है, ओहो, जो मोह लक्षी का पैसा के समय में ये काम में आया है। अच्छा 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 अच्छा।
अब अपन जानियो के महल में जो मेन चौक है वहाँ पर अपन आ गए हैं, इसको बोलते हैं लक्ष्मी चौक, क्योंकि लड़के जो है लक्ष्मी का स्वरूप होती है। तो यहाँ जब भी कोई शादी वगैरह होती है तो राजकुमारियाँ जब बाहर जाती है तो यहाँ पर डोली से उतर करके बहू हेलन सफाई करने वाली आती है, उसका आशीर्वाद लेती है, वापस अपने पालकी में बैठ के बाहर जाती है। और लड़के को लक्ष्मी का स्वरूप दिया गया, इसलिए इसका नाम ही स्पेशल उन्होंने लक्ष्मी चौक रखा हुआ है। वहाँ वो चौमुखा है तो वहाँ पर अपने महाराणा साहब सपरिवार विराजते हैं। यहाँ पर अपने डानियों का कोई एक्टिविटी होती थी, इसको अपने काम में लिया जाता था। तो जनाना महल में अगर देखना चाहे कि अपने पर्दा सिस्टम था तो रानियां बाहर से पर्दे में जाती थी, लेकिन यहाँ कितने खुले में रहती थी, ये कैसा होता था सारा। और अभी जो इसको सारे तरफ खोल दिया है महाराज कुमार साहब ने, जो सबसे बढ़िया चीज खोली है दाल बाटी का, क्योंकि आजकल लोग बाग जंक फूड खा खा के अपनी उम्र कम करते जा रहे हैं। तो जो पहले की जो चीज़ है वो चीज़ अपने चलती रहनी चाहिए, क्योंकि मैं भी एक उम्र ज़्यादा आदमी हूँ तो मैं भी सप्ते में दो बार खाता ही खाता हूँ, क्योंकि हमारे की चीज़ में ये कल्चर होना चाहिए। पहले महाराणा साहब जब युद्ध लड़ते थे, युद्ध के समय में अपने जो वो दाल बाटी लेते थे तो सभी जो खाते थे तो सुबह बनाई तो एक दो दिन तक उनको भूख नहीं लगती थी, ऐसे अपने रेत में उसमें जंगल में बाटी सेक देती, हांडी होती उसमें सब नाक करके दाल बना देते, तो पत्तल दूने में खाना खाते थे। इतना हैवी खाना होता है, इतना टेस्टी खाना होता है और अपने ये बीमारी नहीं करता है। तो अपने असली घी की जो काम में लेते हैं तो असली घी की दाल बाटी के ये चलन है, ये अपने महाराज कुमार साहब को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ये कराई है और उन्होंने ये चीज़ की है। तो जनता की सुविधा के लिए और जनता के अपने ये करने के लिए आप खाना खाए तो अच्छा खाए, क्योंकि बाहर पिज्जा के बर्गर से आपके बच्चे भी बिगड़ते हैं, आपके भी अपने जो बीमारी नहीं हो, डॉक्टर को घर नहीं बुलाना पड़े, इसलिए उन्होंने ये चीज आपने शुरू की। बिल्कुल, और ये बिल्कुल और बिल्कुल रीजनेबल रेट है ये, बिल्कुल। अगर 150 रुपये आप मानते हैं तो बाहर आप जाते हैं तो 350 से कम की कोई सही बात है थाली नहीं आती है, और 150 रुपये में एक आदमी का इतना बढ़िया पेट भर जाता है कि आराम से। ये चीज़ें अपने सभी गाइडों की भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वो यहाँ पर ये लाए, वो तो हम तो आते हैं यहाँ खा करके जाते हैं। टूरिस्ट आपने खाई है? हम बहुत बार खाता हूँ, हफ्ते में एक बार यहाँ खाता ही खाता हूँ। अच्छा। टूरिस्ट को भी खिलाता हूँ मैं ला करके, तो आज हम भी यही खाएंगे। आपको आज जीमन यही करना आज अटे जीमणो यही जीमेंगे। मेरे को ये लगता है आप सब मेरे साथ घूम करके आपको आनंद आया होगा, बहुत आनंद आया आपको, तो प्रणाम। शूट करवा बाद में अब घनी भूख लागी है, घणो मोड़ो वही गयो है, मैं घरे बैठा तो अतरी देर मम्मी रोटियां खवाई देती। और अब हमारे गाइड सर हैं वो चले जा चुके हैं क्योंकि उन्हें जाना था, वो देखिए हमें बाय कर रहे हैं। और अब हम खाएंगे मेवाड़ी दाल बाटी थाली। तो मेवाड़ी दाल बाटी थाली खाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे 150 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। वैसे बहुत ही कम है, मुझे लगा नहीं था और लोगों को पता भी नहीं है कि पैलेस के अंदर इतने कम पैसों के अंदर हमको इतना अच्छा खाना मिल सकता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे टिकट काउंटर है। भैया दाल बाटी का क्या है हमारा यहाँ पे 150 का रेट है ना? 150 का रेट है, उसमें दो बाटी दाल चूरमा सैलेड चटनी और बटर मिल्क आएगा। अच्छा ठीक है, दो बाटी आएगी है ना? यस ठीक है साहब, तो हम यहाँ से पे कर सकते हैं ना? यस मैम, आप कैश और ऑनलाइन और क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया है और यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, हमको यहाँ से थाली लेनी पड़ेगी और हमें अपनी सीट पे वहाँ जाके बैठना पड़ेगा। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से थालियों को सजाया हुआ है। दो थाली लगाना गेस्ट थाली है। और अब ये थालियाँ सब तैयार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बानो मुझे जस्ट खाई ली थी दाल बाटी और अबे आगल जो प्लान है वो देखा आवाज मारी होती आ रही है। ठीक है साहब, और वो कमाड़ खुलियो है। अरे कमाड़ क्यों खुलियो है? पण मने ऐसा लाग रहा है कि कोई तो है जो राज परिवार अटे आई रियो है, कोई पधार रियो है। पत्री देरू जो गाइड
जो अपना जो गाइड सा हा वे जो आपने बताई रहा हा कि बावजी हुकुम महाराज कुंवर सा वे अटे आया है, अटे पधारिया है, वे शायद विजिट पे है, एक सरप्राइज विजिट पे है। मैं अच्छो हुनियो तो हूँ कि बात कर ले है, बात करा कहीं जाई जाई देखा बात करा। राम राम। राम राम। किस तर सब बढ़िया? एकदम बढ़िया। मन राजी? मस्त राजी। और आज गेलो किस तर भूलिया आप? नहीं आज मुँह अटे यूं पहले सिर्फ ब्लॉग बनाई रही ही। अरे जोरदार। हाँ आज मैंने ब्लॉग बनाया है यहाँ पे। तासो गेलो तो जल्दी जल्दी जो है वो भूलनो चावे। नो टाइम लागियो नहीं आपने? नहीं नहीं पण मु टाइम ले ही ना जाई हूँ और खाली ब्लॉग बनावा वाते ही जाई ही। तो मारो ब्लॉग बन रहे है आप मारा वाते मारा ब्लॉग में आओगा कई? अबे तो आई गया अबे कई अबे अबे कई अबे बच्चों के नामिक बातचीत में वे आप हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल आपने आपने कौन मना कर सके। तो कटी बैठो बटे बैठो। हाँ बटे बैठ जावा ठीक है। तो सा अबे आपा घरे आई गया हाँ और आज रो दिन बहुत ही यादगार दिन हो महाराज कुंवर सा लक्षराज सिंह मेवाड़ साहब वणा मलनो व्यो वणा वात भी जिंदगी में पहली दाण वात भी है माणी और वणा मलन यू लागो कि बहुत ही सरल स्वभाव है बहुत ही हाउ लागो वणारी व्यात्री व्यस्तता में माणे वाते समय काढ़ो जो एक मोटी बात है और विस्तर तो यूं यूं भेंट वे जाएगा होचो नहीं हो पर तो भी ठाकुर जी की कृपा है हमारा पे। और आप सबने ब्लॉग किस तरह लागो वो आप मैंने कमेंट करें जरूर बता जो भूल चुक वेगी वे तो माफ है। अड़ भड़ जतरो भी इतिहास है वो मेवाड़ी और हिंदी दोया में आपने बतावारी पूरी कोशिश रहेगा हमारी आगे भी यूं इस ब्लॉग आता रहेगा। तो स्टे ट्यून लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट सब कर दो। जय श्री कृष्णा।